हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मित्तास फूड। आज मैं तंदूरी स्टाइल गोभी बनाऊंगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और आप इसे अपने घर में एक बार ज़रूर अपनाएं। इसके लिए मैंने यहाँ पे गोभी ले लिया है और इसे साफ़ करके टुकड़ों में काट लिया है। मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसे गर्म पानी में एक बार वॉश करूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे गर्म पानी ले लिया है और इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर इसे थोड़ा सा हाफ बॉईल करूँगी, ताकि गोभी 50 से 60% पक जाए। अभी मैं इसका ढक्कन लगाकर इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए, अभी हमारी गोभी में उबाल आ चुका है। अब हम इसे पानी से निकाल लेंगे। देखिए, हमारी गोभी हाफ बॉईल हुई है। अभी मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। अभी मैं एक दूसरा बाउल लूंगी, उसमें मैं 1 कप दही लूंगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा थिक दही यूज किया है। अभी मैं यहाँ एक एक करके सारे मसाले मिलाऊंगी। मैंने यहाँ पे हल्दी मिलाया है, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा रेड फूड कलर। ये ऑप्शनली है, आप चाहे तो इसे बिना भी कर सकते हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और मैंने यहाँ पे थोड़ा सांभर मसाला मिलाया है, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसे अच्छे से अब मैं इस मैरिनेट में गोभी को मिलाऊंगी। लेकिन इससे पहले, गोभी को मैरिनेट में मिलाने से पहले, मैं इसमें 2 चम्मच बेसन मिलाऊंगी। आप चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं गोभी को इसमें अच्छे से मैरिनेट करूंगी। अब मैं यहाँ एक एक करके सारे गोभी को मसालों में अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी। अब मैं इसमें ऊपर से नमक मिलाऊंगी, क्योंकि मैं पहले इसमें नमक नहीं मिलाई थी। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने मैरिनेट कर लिया है। अब इसे आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक फ्रिज में रख दूंगी। अभी हमारा 1 घंटा पूरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पैन गरम करूँगी। मैं इसमें तेल डालूँगी। अब मैं यहाँ 1 चम्मच बटर मिलाऊंगी। बटर को चारों तरफ मिलाने के बाद मैं इसमें एक एक करके सारी गोभियों को डालूंगी।
अब मैं इसे ढक कर कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी। मैंने यहाँ पे आँच को मीडियम रखा है। अभी मैं इसे एक तरफ से पलट लूंगी। मैंने यहाँ गोभी को दूसरे तरफ से भी पकने के लिए छोड़ दिया है। अब मैंने यहाँ दोनों तरफ से गोभियों को पूरा सुनहरा करके अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमारे गोभी में स्मोकी फ्लेवर के लिए मैं इसमें स्मोक दूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे कोयले को गरम करके ले लिया है। अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा घी डालूँगी और इसका ढक्कन लगा के इसे एक मिनट के लिए धुएँ में छोड़ दूँगी। अगर आपको ज़्यादा धुआँ पसंद नहीं है तो आप यहाँ आधे देर के लिए भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ एक मिनट के लिए धुआं दे दिया है। अब इसका ढक्कन निकाल लूँगी और प्लेट को भी धीरे से इसमें से निकाल लूँगी। मैंने यहाँ आँच को पूरा कम रखा था। अब हमारी तंदूरी गोभी हो। अब मैं ऊपर से धनिया पत्ता डाल के इसे सर्व करूँगी। देखिए हमारी तंदूरी गोभी तैयार है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।